11 नवंबर और आज रिलीज हुई है मार्वल की न्यू मूवी ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर। तो जान लेते हैं कि मूवी कैसी है। हे गाइस, वेलकम टू ऑडियंस पर्सपेक्टिव। तो कहानी कुछ ऐसी है, टेंशन मत लो, स्पॉइलर्स नहीं होने वाले, सिर्फ प्लॉट बता रहा हूँ। तो पूरी कहानी है ब्लैक पैंथर यानी कि टीचाला की मौत की बात की कैसे अभी ब्लैक पैंथर नहीं है तो सभी देश ज्यादातर अमेरिका पीछे पड़ा है वकांडा के वेपन्स के पीछे, क्योंकि उन्हें चाहिए सिर्फ वाइब्रेनियम जो कि है सिर्फ वकांडा के पास। तो किसी भी तरह से वाइब्रेनियम हासिल करना चाहते हैं जिसके ऊपर वो रिसर्च कर सके और खुद के देश को और ज्यादा ताकतवर बना सके। तो वाइब्रेनियम ढूंढते ढूंढते वो लोग गलती से नामोर के इलाके में चले जाते हैं, मतलब कि समुन्द्र के पास, और नेमोर सबको मार देता है। सच में सबको मार देता है क्योंकि नेमोर एक एंटी हीरो है। तो अभी नामोर या फिर नेमोर जो भी नाम है, मतलब मेरे से गलती से प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, तो उसके लिए पहले से माफी। तो अभी नेमोर और वकांडा के रिलेशन क्यों खराब होते हैं, अगला ब्लैक पैंथर कौन बनेगा, ये तो आई थिंक सबको ही पता है, और बाकी कंट्री से वकांडा कैसे डील कर पाती है, ये सब जानने के लिए तो ऑफ कोर्स मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी की अगर स्टार्टिंग की बात करूँ तो मूवी सीधा ब्लैक पैंथर के फ्यूनरल के साथ शुरू होती है, एंड लेट चैडविक बोसमैन को मार्वल की तरफ से एक अच्छा ट्रिब्यूट दिया गया है जो कि एक अच्छी बात है। ये मूवी ना जो रिसेंटली अभी मार्वल की 2-3 मूवीज आई है उनसे स्लाइटली क्या बहुत ज्यादा अलग है, क्योंकि मूवी का जो टोन है वो फनी नहीं है, सीरियस है। फालतू के जोक्स ऐड नहीं किए गए इस मूवी में। ऐसा नहीं है कि मूवी हर वक्त सीरियस रहती है, कुछ फनी मोमेंट्स भी है, पर ऐसा नहीं लगता कि उनके कंट्री में जो सिचुएशन है उसको वो लोग सीरियसली नहीं ले रहे। मूवी जिस जगह पे सीरियस रहनी चाहिए वहां पे मूवी सीरियस है। अगर एंडिंग की बात करूं तो थोड़े बहुत सरप्राइजेस है, एक अच्छा खासा कैमियो है एंड एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है। मैं दूसरे के लिए भी रुका हुआ था पर एक ही है मूवी में। मूवी में जो एंडिंग वाली फाइट है वो अच्छी है, पर हम पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि क्या होने वाला है। हाँ, हमें एंड में क्या होने वाला है वो चीज इतनी सरप्राइज नहीं करती, पर पोस्ट क्रेडिट सीन डेफिनेटली अच्छा है। अगर क्रिएटिव एलिमेंट्स की बात करूं जैसे कि डायलॉग्स, तो मैंने मूवी हिंदी डब में देखी क्योंकि मेरी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है। तो कुछ डायलॉग्स मुझे लगता है कि उन लोगों ने चेंज कर दिया है मूवी को फनी बनाने के लिए, पर इतने भी बुरे नहीं है, बॉलीवुड के रेफरेंसेस वगैरह नहीं दिए गए। तो मुझे तो मूवी की डबिंग अच्छी लगी, हिंदी डब में भी देखा जा सकता है। शुरी का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो अच्छा है, हम इस मूवी में शुरी को ग्रो होते हुए देखते हैं, उसके इमोशन, उसका पेन, उसका अग्रेशन हमें समझ में आता है। तो कलर एंड वीएफएक्स की बात करूं तो देखो मार्वल की मूवी है तो अच्छा तो होता ही है, एक्सेप्ट टीवी शोज। इस मूवी में गाने भी है, हाँ बॉलीवुड वाले स्टाइल में नहीं कि वो लोग अलग लोकेशन पे जाके नाच रहे हैं, बस स्टोरी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो अगर टाइप ऑफ ऑडियंस की बात करूँ तो देखो मूवी सीरियस है, अच्छा खासा इमोशन है, 2-3 इमोशनल सीन्स भी है। तो अगर किसी ने पहले की मूवीज नहीं देखी है या फिर ज्यादा इस सिनेमेटिक यूनिवर्स को फॉलो नहीं करता तो मे बी मूवी उसको थोड़ी सी बोर करे, थोड़ी सी लेंदी लगे, जो कि थी भी थोड़ी बहुत। और अगर मार्वल की मूवीज देखते हो, उसे अच्छे से फॉलो करते हो तो फिर किसने रोका है, जाओ भाई, हम लोगों का तो हक है इस मूवी को देखना। तो मैं अगर अपने ओपिनियन की बात करूँ तो देखो मुझे मूवी पसंद आई, मैं सच में चाहता था कि मार्वल थोड़ी बहुत सीरियस मूवी बनाए, एंड इस फेस की मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। तो अगर इस मूवी को आप लोगों ने देख लिया है तो मुझे कॉमेंट में जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी, एंड अगर नहीं देखी है तो कब देखने जाने वाले हो ये भी कॉमेंट कर देना। एंड यहाँ तुम्हें मेरा फोन बूथ मूवी का रिव्यू मिल जाएगा यहाँ पे मिली मूवी का। एंड लास्टली थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए।